अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों का। बहुत ही मज़े की मैं शवारमा पिज़्ज़ा ब्रेड लेकर आई हूँ। तो उसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उसमें मेरे पास है चीज़, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ही है, ये चाट मसाला, ज़ीरा, गर्म मसाला, हल्दी, नमक, रेड चिली फ्लिक्स और पेपरिका पाउडर, और बोनलेस पूरी ब्रेस्ट ली है मैंने ऐसे क्यूब्स काट के, साथ लेमन है, और मेरे पास ना शवारमा ब्रेड है। इसके साथ मैं बहुत ही मज़े का आज एक ईजी सी रेसिपी और क्विक जल्दी से बनने वाली है। आप बच्चों को मॉर्निंग में आप ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने चाट मसाला, ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर, गर्म मसाला और हल्दी डालकर ना इसकी मैरिनेशन कर दी है, और साथ जो मैंने उस दिन बनाया था लेमन पील्स वाला ना, उसके जो मैंने निकाल के रखा हुआ था ना लेमन का, वो फ्रीज़ किया हुआ, वो मैंने साथ क्यूब डाल दिए थे। पर जब मैरिनेशन की ना तो साथ ही मैंने सोचा इसको ना लो फ्लेम पर रख देती हूँ। और ये आपको पता है कि जो चेस्ट का पीस है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है और बहुत अच्छा सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है, तो इसलिए इसको ना मीडियम फ्लेम पर ना मैंने इसको कुक कर लिया था। मैंने सोचा आज क्या बनाऊं, तो ये बहुत इजी रेसिपी है जो नई बनाने वाली बच्ची हैं, डो वगैरह जिनसे नहीं बनती हैं, इस पर आप पिज़्ज़े की तरह भी टॉपिंग वगैरह करके तैयार कर सकते हो। तो बस मैंने तो ना सिंपल ये लिया था और मैंने कहा चलें आज ना शवारमा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, ताकि कोई डिफरेंट रेसिपी हो और मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी दे दे के बोर ना हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ रहें और ना मेरी वीडियो को इन्जॉय करें, बिल्कुल भी गुजार के ना जाएं और छोड़ के ना जाएं, ठीक है। तो बस ये मैंने जो स्पाइसेस वगैरह आपके सामने डाले हैं ना, तो इससे ही इसने बहुत अच्छा जो लेमन का हमने रस डाला ना, उससे इसने सॉफ्ट हो जाना है और ये बहुत जूसी और बहुत ही लाइट सा बनता है। तो बस पास फिर मेरे पास ना वेजेस में ना कैप्सिकम और ना ऑनियन था, लेने तो मैं गई थी, एंड पे मैंने क्लिप डाला है लिंक रोड से, मुझे ना कैप्सिकम मिली नहीं है जो रेड और ग्रीन होती है, रेड और जो येलो होती है, क्योंकि वो भी अच्छी लगती है। कलरफुल चीज़ें हमेशा ही आंखों को अट्रैक्ट करती हैं, और जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं ना चीज़ को बना के, वो ही अट्रैक्ट करने की वजह से हम उसको इंजॉय करते हैं। बस ये जब थोड़ी सी सॉफ्ट हुई ना, ये क्रंची ही अच्छी लगती है। पास मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था और मैंने पहले एक ना शवारमा ब्रेड ली है, उस पर मैंने लगा दिया है जी ये पिज़्ज़ा सॉस जो होती है ना, वो लगाई है उस पर अच्छी सी लेयरिंग, मैं ये चिकन की लगा दूंगी। इस पर आप वेजेस में कुछ भी डाल सकते हो, बंद गोभी भी, कैप्सिकम तीनों कलर में भी, कॉर्नस भी, इस तरह की चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने चिली सॉस और सोया सॉस भी डाला था एंड पे, और ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बना था। जब इसकी एक अच्छी सी मैंने लेयर लगा दी ना, उसके बाद मैं इस पर चीज़ लगाऊंगी। ये इतना लाइट वेट था और इतना जायके वाला बनाना, और जो नई लड़की हैं जो नया नया सीख रही हैं, साथ ना मैंने ये ना गार्लिक, चिली गार्लिक जो होती है ना सॉस, ये मैंने ले ली थी। ये एक हल्की सी ऊपर लेयर लगा के फिर मैं दूसरा रख दूंगी पीस, शवारमा ब्रेड का दूसरा पीस, इसके ऊपर फिर मैं चीज़ की कोटिंग करूँगी और चिली सॉस है ना उसको लगा करना। तो इसको मैंने ना तकरीबन ना 180 पर ना 5 मिनट बस बेक किया था दोनों रोड्स के साथ, ठीक है। आपने 5 मिनट बेक करना है दोनों रोड्स के साथ। मैंने आप लोगों के लिए तवा पे भी बना के दिखाना था, बस मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पाई, जिनके पास ओवन नहीं है वो। अब मैंने भी जब पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया तो मैंने विदाउट ओवन ही शुरू किया था। अच्छा, ये चिली गार्लिक सॉस है ना, इसको ऊपर हल्की सी लगा के ना चीज़ के ऊपर, और येलो लीव्स लगा दें और साथ रेड चिली फ्लिक्स लगा कर ना, इसको हमने 180 पर ना 5 मिनट बस बेक करना है दोनों रोड्स के साथ। ये जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी, जो अंदर चीज़ थी वो भी मेल्ट हो जाएगी, और ये इतना ही मज़े का बना। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और साथ साथ रहें, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार अपनी प्यारी प्यारी बहनों को कहती हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाया करें और वीडियो को फुल एड्स के साथ वॉच किया करें, क्योंकि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनो है, तो फिर ही आप मेरी हेल्प कर सकते हो आप अगर फुल वीडियो वॉच करोगे, ठीक है। ये देखिए कितना ही मज़े का चीज़ी और ना सॉफ्ट ये बना था। बस इसको 5 मिनट ही से ज़्यादा नहीं इसको करना, क्योंकि ये जो हमारे शवारमा ब्रेड है ना, ये हार्ड हो जाती है। तो बस ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना था। तो मॉर्निंग में जब मैं गई ना इधर लिंक रोड पे, तो फिर उसके थोड़े से मैंने क्लिप लिए थे। कैप्सिकम तो मैं कलरफुल लेने गई थी, मगर इनके पास ना ग्रीन कलर में ही थी। तो रश जैसे अब मंथ का मिड था ना, तो रश इतना नहीं था, तो बस ये उन्होंने काफ़ी स्कीमें वगैरह लगाई हुई थी। ये माना मॉल में बेसमेंट में ये सारा बना हुआ है कारफोर, तो इस पर काफ़ी ऑफर्स वगैरह, पत्ती पर, चाय की पत्ती, दालें। पहले हमने इधर से शवारमा ब्रेड का पूछा था, पीटा ब्रेड जो होती है, तो इनके पास अवेल नहीं थी।
उसके बाद फिर हम विक्टोरिया गए, उधर से हम लेकर आए सात कैप्सिकम, फिर हमने ग्रीन ही ले ली जस्ट। इसमें काफ़ी फ्रोज़न आइटम्स थी जो अब बाज़ लोग नहीं मेहनत करते हैं तो फ्रोज़न आइटम को ही तरजीह देते हैं। तो यहाँ साथ ही एक काउंटर था ड्राई फ्रूट्स वाला, तो मेरा बेटा ट्राई कर रहा था मामा जो चीज़ अच्छी है ना तो वो हम बाय कर लेते हैं। तो बस कुछ ग्रोसरी की चीज़ें ली थी मैंने, जैसे मैंने सॉस ली थी साथ, फिर जो पैकेज लगा हुआ था दाल वगैरह का वो भी मैंने ख़रीदा। फिर हम लोग घर आ गए, घर आके फिर मैंने शवारमा ब्रेड जो है ना, शवारमा ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने बच्चों को वो बना के दिया। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।